नमस्कार प्राइम उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर देश भर में अन्य संगठनों ने आक्रोश जारी है और कई संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस घटना के विरोध में आज अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ने मुरादाबाद में सड़क पर निकलकर दोनों आरोपियों को बीच सड़क गोली मारे जाने की सजा सुनाई देने की मांग की है, सरकार से इस मांग को किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा किया है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा मुरादाबाद महानगर के अंदर और उदयपुर की घटना को लेकर, जो कि हिंदू समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है, हिंदू समाज के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी जिहादी मानसिकता को अंजाम देने के बाद जिहादी लोग अपनी वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं देश को कि आज हम लोग कितनी तैयारी में हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बजरंग दल ने पूरे देश के अंदर ज्ञापन के कार्यक्रम करे हैं, अपनी मांग करी है कि ऐसी मानसिकताओं को शीघ्र। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े मिट्टी और बालू का खनन जारी है। वहीं मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि पाली नगर से होकर गुजरी गर्रा नदी से सफेद बालू का काला कारोबार चल रहा है, जिसकी ढुलाई बैलगाड़ी से सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेआम चलती रहती है, जबकि पुलिस इस गोरख धंधे पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन का कारोबार पुलिस और खनन माफिया की साठ गांठ से चल रहा है, जिसके बदले संबंधित अधिकारियों को मोटी रकम भी पहुंचाई जा रही है। अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे उम्मीद खान दुलारी नगर में बच्चों की लड़ाई दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए, जिसमें दोनों पक्षों की महिलाओं समेत कुल 18 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा इलाज के लिए CHC जगदीशपुर भेजा गया। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने बताया कि बच्चों के विवाद में दो पक्ष आपस में उलझ गए और दोनों पक्षों से 9-9 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वाराणसी में नमामि गंगे विचार मंच द्वारा घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। वहीं केदार घाट के पास विजयनगर घाट पर सफाई की गई, जबकि इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए महानगर संयोजक शिवम अग्रहरी ने बताया कि अधिकांश घाटों पर गंगा किनारे गंदगी दिखाई पड़ी, जबकि कर्मचारियों द्वारा घाट की सीढ़ियों की नियमित सफाई तो होती है, लेकिन घाटों पर पर्यटक द्वारा कूड़ा फैला दिया जाता है, जिसको सफाई करने का काम रोजाना किया जाता है। गाजियाबाद के कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवती को पुलिस बूथ से महज 50 मीटर की दूरी पर जिंदा जला दिया गया, जिसका शरीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के पास मिला, जिसको इलाज के लिए पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसकी शिनाख्त नहीं की जा सकी है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वो सभी लापता महिलाओं की डिटेल निकलवाए। आपको बता दें कि इस तरह की घटना 2 महीने पहले लोनी में भी हो चुकी थी। वहां दिल्ली से लाकर महिला का शव फेंका गया था, उसका चेहरा भी झुलसा दिया गया था ताकि शिनाख्त ना हो सके। जली हुई डेड बॉडी मिली है, जो कि एक महिला की है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं फॉरेंसिक टीम को बुला के साक्ष्य संकलन कर दिया गया है। इसका जो पोस्टमार्टम है वो एक डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी में करवाया जा रहा है एवं महिला की शिनाख्त हेतु DNA को प्रिजर्व करा जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे CCTV की टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही साथ जितनी भी जनपद के थानों में गुमशुदगियाँ एवं आसपास के जनपद के थानों में गुमशुदगियाँ हैं, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। थाना कवि नगर क्षेत्र के अंतर्गत मुखर्जी पार्क के पास से आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी जली हुई अवस्था में सड़क पर पड़ी हुई है, जिससे पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच गई है। बॉडी को लेकर हॉस्पिटल तथा जो और कार्रवाई अपेक्षित है उनके लिए भेजा गया है। महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र इस पूरी
औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जोगीपुर में घर के बाहर खेल रहे एक मासूम की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई। दरअसल 4 वर्षीय बच्चा अंशु घर के बाहर खेल रहा था, उसी दौरान एक ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को बैक किया जिसकी चपेट में आकर बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि मौके पर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है। महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी और हंगामे की ये तस्वीर हरदोई जिले के मेडिकल कॉलेज से सामने आ रही है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर डॉक्टर संगीता की ड्यूटी लगाई गई थी, वहीं इस दौरान मरीजों ने डॉक्टर संगीता को जल्दी अल्ट्रासाउंड कराने को लेकर रुपयों की पेशकश की, जिस पर डॉक्टर ने नाराजगी जाहिर की। जिसके बाद मरीज महिला ने डॉक्टर पर मारपीट करने का आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वीणा गुप्ता ने बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई है। जब मैंने पूछा तो मरीज महिला ने सच बोल दिया कि मैंने उसके कान में जाके मैंने कहा था। तो मैंने कहा उनसे आपकी डॉक्टर की कोई दुश्मनी थी जो वो आपको थप्पड़ मारेंगी या कुछ करेंगी? तो उन्होंने बोला नहीं, थप्पड़ नहीं मारा, उनका हाथ पलट के लग गया था। ये मरीज महिला ने खुद गवाही दी है। और जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने भी यही, लेकिन बाद में मैंने देखा कि जो वीडियो बना है या जो रिकॉर्डिंग हुई, इसमें मरीज महिला डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी कर रही है, उसका मास्क नोच रही है, उसके कान की तरफ उसका हाथ है। तो इस माहौल में डॉक्टर का काम करना थोड़ा मुश्किल। हरदोई के तड़ियावा थाना क्षेत्र की एक युवती का 9 साल पूर्व मझिला थाना क्षेत्र में निकाह हुआ था, वहीं अब महिला ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके बच्चे नहीं होने पर ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जबकि सास ससुर ने महिला के साथ दोनों बड़े बेटों को उकसाकर दुष्कर्म भी करवाया। और जब महिला ने इसका विरोध किया तो नशे में चूर होकर पति ने अपने माता पिता के साथ मिलकर युवती से मारपीट की और उसे 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और प्रदेश भर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। अलीगढ़ शहर में महज 1 घंटे की बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जलमग्न इलाकों ने नगर निगम के व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। दूर दूर तक सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में भी मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मॉनसून की पहली बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि पहले 5 दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से जूझ रहे थे, आज सुबह जैसे ही मॉनसून ने दस्तक दी, झमझमान बारिश ने लोगों को राहत दी और लोगों ने चिलचिलाती गर्मी से राहत की सांस ली। बहुत ज़्यादा राहत है, 3-4 दिनों से गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि दुकानों पर बैठना, काम करना, आना जाना कहीं नहीं हो पा रहा था। इस वजह से आज मौसम में बदलाव आया है जिससे कि लोगों को बहुत राहत मिली है। बहुत ज़्यादा राहत की सांस है, इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। कितनी परेशानी हो रही थी गर्मी की वजह से? बहुत बुरी परेशानी हो रही थी। तो बरसात हुई, इससे कोई फायदा है? इससे बहुत फायदा, आदमी सुकून की सांस ले सकता है, इससे बहुत। रायबरेली में मौसम ने करवट बदली, सुबह से ही शहर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन सब्जी बेचने वाले किसानों ने त्रिपाल तान कर सब्जियों को बचा कर बेचने का प्रयास किया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।